मश्क नंबर 1.2 की चौथी मिसाल अब हल की जा रही है। थोड़ा मिसाल पर गौर कीजिए। 3.8.13.18. एपी का कौन सा रुकन 78 है? इस एदाद के फेरिस्त में हमको यह मालूम करना है 78 किस रुकन पे आता है या ये कौन सा रुकन है। तो यहां पर जो है इस मिसाल की मश्क और मिसाल पर थोड़ा गौर किए। 3.8.13.18. एपी का कौन सा रुकन 78 है? तो हम लोग यहां जो 78 इस एदाद के फेरिस का आखिरी रुकन है, तो इससे मुराद यहां पर हम लोग मालूम करेंगे एन की तादाद मालूम करेंगे। तो यहां पर जो एन इज इक्वल टू 78 दिया गया है, फिर हम सबसे पहले ए इज इक्वल टू 3 लेंगे, फिर डी इज इक्वल टू A2 - A1, 8 - 3 इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर अजस्तुल बात यहां पर जो है एन की कीमत मालूम करना है, तो यन की कीमत मालूम करने के लिए हम लोग इसाबित तसाद का आम रूप मालूम करने का जाबिता इस्तेमाल करेंगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर यहां जो असल में n की कीमत दर्ज करिए, n यहां पर जो 78 है, फिर इसके बाद a की कीमत जो है यहां पर 3 है, जमा n माइनस 1 डी की कीमत जो है यहां पर इंटू 5 है। फिर इसके बाद यहां पर देखिए, तो हम इसको पहले क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 एंड माइनस 5 हो गया। फिर इसके बाद देखो यहां पर 78 इज इक्वल टू 3 माइनस 5 एन माइनस 2 हो गया। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो बड़ी जरूरत के अलावा नफी है, तो -2 यहां पर आता है। फिर इसके बाद 78 प्लस 2 -2 को बराबर की इस साइड में शिफ्ट किया जाएगा, यहां पर माइनस है तो प्लस हो जाता है, तो यहां पर 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n। दिस इंप्लाइज 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2 80 हो गया। ओके, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 5, फिर यहां पर जो 3 बचा था 5 6 30 है, तो यहां पर n इज इक्वल टू 16 है। तो यहां मालूम हुआ कि भी इस एदाद के फेरिस्त का 16वां जो रुकन है वो क्या है, 78 है, तो 16वें रुकन पर 78 आता है।